दो चीज़ें आपकी जानकारी में रहनी चाहिए। पहला एपिडेमिक्स एक्ट है जिसके तहत नोटिफिकेशन हो चुका है यूपी गवर्नमेंट में कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कि ये बीमारी है उसको अलग किया जाएगा, क्वारंटाइन किया जाएगा, तो हो सकता है बाई फोर्स भी हम लोगों को करना पड़े। और दूसरा एक और चीज़ आप लोग ये देख लीजिएगा कि हैंड सैनिटाइजर को और मास्क को, इन दोनों को एसेंशियल कमोडिटी घोषित कर दिया गया है, तो इनकी कालाबाजारी या इनकी होर्डिंग ये दोनों इसी एक्ट के तहत आ गए हैं। तो अगर ऐसा कोई केस आता है तो ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि ऐसे केसेस पे एक्ट करें, इसी एक्ट का मुकदमा दर्ज करते हुए जो भी होर्डिंग कर रहा है या कालाबाजारी कर रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो अपना भी बचाव कीजिए, अपने पुलिस फोर्स का बचाव कीजिए, साफ सुथरा वातावरण रखिए। इसके अलावा लोकल आप लोग परचेज कर सकते हैं साबुन, और जो भी आए एक अस्थाई व्यवस्था थाने के बाहर एंट्री पर ही करवा लीजिए। सीबीआई ने ये करवाया है कि जैसे ही गेट के अंदर घुसेंगे बाहर नल लगे हुए हैं, वहीं पे एक पानी का डिस्पोजेबल वो लगा दिया गया है और वो नाली में चला जा रहा है, तो ये व्यवस्था करा लीजिए। कोई भी आए अपना हाथ धो ले, हाथ साफ कर ले, ये हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ऐसी लोकल व्यवस्था कुछ करवा सकते हैं आप लोग तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। आप लोग अपने अपने